बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार, एड्रेस रजवन का पुल नियर हनुमान चौक में। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। 42,000 करोड़ रुपए जनता का डकारने वाले जालसाज संजय भाटी का यह दुस्साहस ही है कि वह मोबाइल से बात रोकने वाले पुलिस चौकी इंचार्ज को यह कह सके कि तुझे घर से उठवा लूंगा। इतना नहीं, उसके जाल में फंसे लोगों को भी हड़का सके और आतंकित कर सके। अब कई माह से बाइक बोट कार्यालय पर धरना दे रहे लोगों का नंबर है। संजय के गुर्गे आकर धरनारत लोगों को रोजाना धमका रहे हैं, उन्हें अथवा उनके बच्चों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने शिकायती पत्र लेकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया तो मजबूरन इन लोगों को अपनी गुहार समाधान दिवस पर लगानी पड़ी। सवाल उठता है कि आखिर इतना दुस्साहस संजय भाटी में कहां से आया कि वह जेल में होते हुए भी इस तरह लोगों को आतंकित कर सके, पुलिस चौकी इंचार्ज को घर से उठा लेने की धमकी दे सके। ये संपूर्ण वारदातें व घटनाक्रम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि संजय भाटी के पुलिस प्रशासन और शासन में वो लोग बैठे हैं जो हमेशा से ही संजय की ढाल बनते आ रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के बैनर तले संजय भाटी व उसके गुर्गों ने भोले भाले मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाने का ताना बाना बुना था। निवेशकों को बाइक बोट के लिए कंपनी को करीब 62,000 रुपये देने थे, जिसके एवज में कंपनी को बाइक बोट रन करनी थी। बाइक रन करने पर महीने का कंपनी को करीब 25,000 से 27,000 रुपये व्यय करना था, जो किसी भी दशा में संभव नहीं था। लेकिन जाल ऐसा था कि लोग फंस गए। लोगों के फंसने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि संजय भाटी व उसके गुर्गों ने जहां कहीं भी बाइक बोट की ओपनिंग की उसे हरी झंडी वहां के पुलिस कमिश्नर अथवा किसी बड़े अफसर से ही दिखवाई गई। सरकार के जिम्मेदार व इन काबिल अफसरों को ऐसा करते देख लोगों में बाइक बोट के प्रति विश्वास जागा और वे इस मकड़जाल में फंस गए। जिन प्रमुख अफसरों ने इस फर्जीवाड़े पर अपनी मोहर लगाई उनकी लिस्ट खासी लंबी है। कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं जिन्हें हम आज दिखाना चाहेंगे। बाइक बोट अब आपके सामने है, आपको नजर आ रही है वहां से ये बाइक बोट। बाइक टैक्सी की वो ऑफिशियल बाइक है जो GIPL परिवार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ऑफिशियल बाइक के रूप में आज आपके सामने लॉन्च की है। हमारे SSP साहब, जाहिर है कि उनकी कुछ व्यस्तता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा समय उनके पास नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत समय हमें दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। आप लोग जल्दी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ, जल्दी से बैठ जाए। कोशिश ये की जा रही है एक बाइक ऐसी लेकी जाए जो कि पोल्यूशन को उसको मिनिमाइज कर पाए। तो इसी तरीके के और अन्य इनिशिएटिव्स के साथ हम सब लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि हम किस तरह का सिटी जो है अपने चिल्ड्रेन को अपने बच्चे को देते हैं और किस तरह का फ्यूचर फिर उनका होता है। सो वी ऑल हैव शोल्डर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक ऑल आउट एफर्ट्स। देखिए, पुलिस प्रशासन व शासन के उच्च पदस्थ लोगों से संजय भाटी व उसके गुर्गों की नजदीकियां किसी से छिपे नहीं है। संभवतः यही कारण रहा कि करीब 38 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने संजय के गिरवान पर हाथ नहीं डाला और वह बेहद सुरक्षित अंदाज में जेल के सलाखों के पीछे चला गया। जेल में उसके हौसले किस कदर हावी हैं, पेशी पर आए संजय भाटी की धमकी और उसके तेवर देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उसे पेशी पर मोबाइल पर बात करने से रोका गया तो उसने चौकी इंचार्ज को घर से उठा ले जाने तक की धमकी दे डाली, यानी उसे पुलिस का खौफ तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं दादरी स्थित बाइक बोट कार्यालय पर धरनारत लोगों की। इन लोगों में इस बात की खासी नाराजगी है कि 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने के बावजूद योगी व मोदी सरकार ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। धरनारत लोगों का आरोप है कि इतना ही नहीं, संजय की गिरफ्तारी के बाद उसका साम्राज्य चला रहे बीएन तिवारी व दीप्ति बहल सरीखे खास लोगों पर पुलिस हाथ डालने से अभी तक बच रही है। कई माह बाद भी ये लोग अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आए हैं। इसे लेकर भी पुलिस प्रशासन में शासन के वरिष्ठ अफसरों के आचरण पर उंगलियां उठना तय है। पुलिस चौकी इंचार्ज को सरेआम धमकी मिलने के बाद
अब धरनारत लोग दहशत ज़्यादा हैं, उन्हें भी प्राय रोजाना ही धरना खत्म न करने पर उठा ले जाने की धमकियां मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि इन लिखित शिकायतों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अब परेशान होकर समाधान दिवस पर इन लोगों ने गुहार लगाई है। इस बीच यह भी जानकारी में आया है कि इस घोटाले से जुड़े कई लोग विदेश भागने की फिराक में हैं। सूत्र बताते हैं कुछ लोग श्रीलंका, लंदन व ऑस्ट्रेलिया में बसने की जुगत लगा रहे हैं। आज इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।